तो हे गाइस, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग देखते हैं, मैंने T800 Ultra वॉच है मैंने ले लिया है। तो ये वॉच मैंने अनबॉक्सिंग नहीं, मैं एक इसका ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। जैसे कि इसका पहले भी मैंने इसका अनबॉक्सिंग वगैरह कर दिया है, तो इस वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग मैं करने वाला हूँ नहीं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसका वाटरप्रूफ टेस्टिंग। तो आखिर देखते हैं कि आखिर ये एप्पल वॉच का क्लोन वर्जन है, तो आखिर देखते हैं कि आखिर ये पानी में सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। तो वहाँ पे मैंने वेबसाइट पे कुछ देखा, तो वेबसाइट पे कुछ मेंशन नहीं किया गया था कि वाटरप्रूफ है अभी नहीं। बाकी आप लोग देख सकते हैं पैकेजिंग के मामले में, तो यहाँ पे देख सकते हैं बबल रैपिंग के साथ ही मेरे को डिलीवर्ड हुआ है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे इसका क्वालिटी है वो रहने वाला है। बाकी जैसे हम इसको बॉक्स को ओपन करेंगे, तो बाकी बॉक्स ऊपर देखिएगा तो T800 यहाँ पर अल्ट्रा लिखा है। बाकी यहाँ पर ऊपर साइड में यहाँ पर स्टिकर लगा दिया गया है। तो ये मैंने ऑनलाइन परचेस किया था 1800 रुपीस में। तो आखिर मैं इस वॉच को यहाँ पे देख सकते जस्ट मैंने ओपन किया हूँ। आखिर अब मैं इसको डालने वाला हूँ और पानी के अंदर देखने वाला हूँ क्या आखिर ये पानी में सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। तो जैसे हम बॉक्स को ओपन करेंगे, ओपन करते ही आपको यहाँ पर इसका एक मैनुअल है वो मिल जाता है, जो चाइनीज़ भाषा में है तो इसे समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन बैक साइड में देखिएगा तो इंग्लिश भाषा में दिए गए, तो चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने इसका ऑलरेडी पहले भी अनबॉक्सिंग किया हूँ, तो आप वहाँ से जाकर इसका अनबॉक्सिंग वीडियो देख सकते हैं। बाकी जैसे ही आप लोग को यहाँ पर खोलिएगा तो आपको यहाँ पर इसका स्टेप है वो मिल जाएगा। इसके साथ ही हमको यहाँ पर एक चार्जिंग केबल वो भी वायरलेस मिल जाता है। तो सारे चीज़ फीचर्स को आखिर ट्राई करने वाला हूँ कि आखिर पानी में कैसे सर्वाइव करता है, पानी में कैसे चार्जिंग वायरलेस चार्जिंग केबल है तो आखिर वो पानी में वर्क करेगा भी नहीं। तो चलिए फटाफट से ट्राई करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो फाइनली ये ऑन हो जाएगा। तो देखते हैं क्या आखिर ऑन होता है नहीं, शायद से इसमें चार्ज नहीं हो। सबसे पहले हम इसे चार्ज में लगाते हैं, उसके बाद से ही आगे का प्रोसेस वो सारा चीज़ आपको बताऊंगा। तो फाइनली मैंने इसे चार्ज कर लिया है। चार्ज करने के बाद से देख सकते हैं इसका लुक वाइज तो काफ़ी ज़बरदस्त है, बिल्कुल एप्पल वॉच जैसे बनाया गया है। तो चलिए फटाफट से हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सॉन्ग इसमें प्ले करते हैं, उसके बाद इसे पानी में डालते हैं, उसके बाद से देखते हैं कि इस पानी में सर्वाइव कर पाएगा नहीं। तो इसमें सॉन्ग भी प्ले करेंगे, आखिर देखेंगे कैसे वो सुनाई देता है या भी नहीं। तो इसमें वायरलेस चार्जिंग केबल भी दिया गया है, तो पानी में इसको देखते हैं कि आखिर लेसिंग काम करता भी है या नहीं। तो चलिए फटाफट से क्या करते हैं, इसमें सॉन्ग प्ले करते हैं, उसके बाद से इसे पानी में डालते हैं। तो फाइनली मैं यहाँ पे ले लिया हूँ पानी और यहाँ पे रहा है स्मार्ट वॉच। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, गाना को प्ले कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं गाना है वो फुल साउंड में यहाँ पे प्ले हो चुका है, जो आपको यहाँ पे सुनाई दे रहा है। तो चलिए इसे पानी में डालते हैं, आखिर देखते हैं कि आखिर ये बच पाता है या नहीं। यहाँ पे मैं 1800 रुपीज़ का रिस्क ले रहा हूँ, तो आपसे कुछ नहीं चाहूँगा, आपसे बस इतना ही चाहूँगा, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए। तो चलिए फटाफट से इसको पानी में डालते हैं और देखते हैं कि आखिर वाटर प्रूफ है या भी या नहीं। तो चलिए फाइनली हम इसे डाल देते हैं। तो देख सकते पानी में डालते हैं, इसका साउंड है वो काफ़ी कम हो चुका है। तो बाकी इसे तो अभी तो साउंड सही से प्ले कर रहा है, और जैसे हम इसे पानी के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं मैंने छोड़ दिया है। बाकी अभी तो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, लेकिन अभी देख सकते डिस्प्ले भी अभी वर्क है और म्यूज़िक भी काफ़ी हद तक ये अभी प्ले हो रहा है। अभी देख सकते घड़ी है वो काफ़ी अच्छे से अभी वर्क भी कर रहा है। गाना भी मैंने प्ले किया था तो अभी भी यहाँ पे गाना है वो प्ले हो भी हुआ है, लेकिन अभी देख सकते यहाँ पे बाइल लिख कर आ चुका है, यहाँ पे बाइल लिख कर आ चुका है, यानी कि जो भी मेरा वॉच है वो अब बंद हो चुका है। तो अभी क्या करते हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं वायरलेस चार्जिंग केबल है, तो इसको यहाँ पे अंदर डालने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि आखिर ये अंदर है वो चार्ज है वो वर्क कर रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं मैंने तो चार्ज में तो लगा दिया है, अभी फाइनली यह ऑन होता है या नहीं। तो जैसे मैं यहाँ पे देख सकते हैं मैंने चार्ज में लगा दिया है, अभी भी ऑन नहीं हुआ है, यानी कि फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग है वो तो सक्सेसफुल चार्जिंग यहाँ पे उठा लिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग तो उठा लिया है, बाकी जैसे हम इसे चार्जिंग से अनप्लग करेंगे, अनप्लग करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अनप्लग करते हैं यहाँ पे वॉच है ऑन भी हो चुका है। बाकी यहाँ पे ऑन होने के बाद से यहाँ पे अंदर तो टच काम नहीं करेगा, बाकी बाहर निकालने के बाद से यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़ यहाँ पे अच्छे से वर्क कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं क्राउन भी वर्क कर रहा है और ये बटन्स भी यहाँ पे वर्क कर रहा है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये भी वर्क कर रहा है। बाकी यहाँ पे ये भी सारा चीज़ जो भी है वो सारा चीज़ यहाँ पे वर्क कर रहा है। बाकी एक बार इसमें म्यूज़िक भी प्ले करते हैं, बाकी मैं देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है और सॉन्ग भी प्ले हो रहा है, जो शायद से आपको सुनाई नहीं देगा, देख सकते हैं काफ़ी स्लो यहाँ पे सुनाई दे रहा है, देख सकते काफ़ी स्लो सुनाई दे रहा है, पता नहीं आपको सुनाई दे भी रहा होगा या नहीं। तो फाइनली मैं इसे चार्ज में लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं चार्ज में लगा भी दिया हूँ और चार्ज जो है भी उठा भी नहीं रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे चार्ज में भी लगा दिया हूँ, तो फाइनली ये उठा लिया फिर ऐसे चार्ज में, काफ़ी लेट से चार्ज में उठा रहा है, पता नहीं क्या हूँ।
और इसे ही मैं इसको अंदर डालने वाला हूँ और देखने वाला हूँ क्या कि अभी भी अंदर भी वर्क करता है या नहीं। जिससे अंदर मैंने डाल दिया है और अभी भी यहाँ पे डिस्प्ले इसका ऑन है और सॉन्ग है वो प्ले हुआ है और मेरे फ़ोन से अभी भी कनेक्ट है जो इससे मैं सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी हद तक यहाँ पर देखते वाटरप्रूफ यहाँ पे साबित हो रहा है। बाकी मैं टाइम की बात करें तो आप लोग टाइम देख सकते हैं रात का 10:02 हो रहा है और इसे हम मॉर्निंग तक छोड़ने वाले हैं और देखने वाले हैं मॉर्निंग तक ये पानी में सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। तो अभी देखते हैं, मैंने मॉर्निंग अभी तक तो मैंने यहाँ पे इसे चार्ज में लगा कर छोड़ रहा हूँ और मॉर्निंग में इसे डायरेक्टली सुबह में उठकर मैं इसे देखने वाला हूँ कि आखिर यह पानी में रात भर सर्वाइव कर पाया है नहीं, कि आखिर इसके अंदर पानी जा चुका है या पानी इसके अंदर अभी नहीं गया है। तो आपके लिए मैंने 1800 रुपीज़ का रिस्क लिया है वो भी आपको दिखाने के लिए कि आखिर ये वाटरप्रूफ है या नहीं। तो काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि आखिर ये वॉच है वाटरप्रूफ रहता है या नहीं। तो देखते हैं, अभी भी इसका डिस्प्ले है वो ऑन ही है। तो इसे रात भर में छोड़ने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि आखिर वाटरप्रूफ है या नहीं। जो भी सॉन्ग था वो प्ले हो रहा था वो बंद हो चुका है, फिर से इसे प्ले करते हैं और देखते हैं आखिर ये प्ले होता है या नहीं। तो यहाँ देखते प्ले तो हो चुका है लेकिन यहाँ पे जो इसके स्पीकर में है वो काफ़ी स्लो बज रहा है, तो पता नहीं है क्यों ऐसा हो रहा है। बाकी जैसे हम इसे छोड़ रहे हैं रात भर के लिए तो इसे हम मॉर्निंग में सुबह में उठकर देखेंगे आखिर ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो मिलते हैं आप लोगों से सुबह में। तो गाइस फाइनली मॉर्निंग का यहाँ पे 8:33 हो रहा है और अभी भी इसमें वॉच है वो सही सलामत है, यहाँ पे डिस्प्ले है उसका ऑन है। और बाकी आपको यहाँ पे भी मैं एग्जैक्ट टाइम भी दिखा देता हूँ अपने वॉच में जो 8:33 मॉर्निंग का हो रहा है। बाकी जैसे हम इसे बाहर निकालेंगे तो देखते हैं कि आखिर इसमें सॉन्ग है वो प्ले हो रहा है नहीं, क्योंकि मैंने इसे रात भर इसमें सॉन्ग ही प्ले मैंने कर दिया था। बाकी इसमें बात करें तो अभी जो हेडफोन में जैसे सॉन्ग प्ले होता है एकदम उतना आवाज़ इसमें आ रहा है। बाकी अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग है वो उठाया है और अभी भी पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ऑन है। और इसमें देख सकते हैं बाकी डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले भी यहाँ पे वर्क कर रहा है, सारा चीज़ यहाँ पे वर्क कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे क्राउन में स्किप करें तो ये भी यहाँ पे अच्छे से वर्क कर रहा है। तो इसमें बात करें इसकी क्वालिटी की तो क्वालिटी आप लोग दिखते वाटर प्रूफ इसका मिल जाता है। बाकी आप लोग मैंने रात भर छोड़ा था फिर भी इसमें पानी है वो नहीं गया है और अभी भी देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मैंने अंदर रख दिया और यहाँ पे देखेंगे यहाँ जैसे ही मैं इसको सटाएंगे यहाँ पे चार्जिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा स्लो चार्ज यहाँ पे उठा रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पे चार्ज है वो सक्सेसफुली उठा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब इतना कम प्राइस में आपको वाटरप्रूफ घड़ी है वो मिल जाता है। तो मैंने 1800 रुपीज़ के आपके लिए केवल रिस्क लिया है लेकिन ये 1800 रुपीज़ मेरा बच गया सक्सेसफुली, ये वाटरप्रूफ निकला। तो ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया तो इस वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि मैं जैसे ही कुछ अगला वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो इस वॉच को आप बाय करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका बाय लिंक है वो डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाकर इसे डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।